मंदिर ने पुकारा मस्जिद ने पुकारा मंदिर ने पुकारा मस्जिद ने पुकारा अल्लाह ने पुकारा तुम्हें ईश्वर ने पुकारा अल्लाह ने पुकारा तुम्हें ईश्वर ने पुकारा आजाद वतन के लिए बलिदान हो जाना आजाद वतन के लिए कुर्बान हो जाना आजाद वतन के लिए बलिदान हो जाना आजाद वतन के लिए कुर्बान हो जाना बनने को तैयार रहो मिलने को तैयार रहो बनने को तैयार रहो बनने को तैयार काम की खिदमत में रहो मिलने को तैयार काम की खिदमत में रहो मिलने को तैयार बनने को तैयार रहो मिलने को तैयार रहो बनने को तैयार रहो बनने को तैयार बनने को तैयार रहो नमस्कार। ग्रामोफोन की अनोखी दुनिया में आप सबका फिर से स्वागत है। आज़ादी नामा के अब तक के सफ़र में हमने देखा है कि कैसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड का उपयोग आज़ादी के आंदोलन में हो रहा था। जब इंटरनेट नहीं था और साक्षरता भी कम थी, तब ग्रामोफोन रिकॉर्ड के पोर्टेबल साउंड का बड़ा ही जादुई प्रभाव होता था लोगों पर। ग्रामोफोन पर रिकॉर्डेड गीत, गज़ल, नाटक, भाषण और संदेश आंदोलन को कई तरह से प्रभावित करते थे। दोस्तों, ग्रामोफोन की इस पहुंच की समझ सिर्फ आंदोलन के पक्षकारों को ही नहीं थी। उस समय का सत्ता पक्ष भी ग्रामोफोन की अहमियत समझता था और उसका प्रयोग अपने लाभ के लिए करता था। पिछली कड़ियों में हमने आपको बताया था कि किस तरह लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन के पक्ष में अपना भाषण अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर और उसके अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं में रिकॉर्ड कर पूरे भारत में भेजकर लोगों को सरकारी पक्ष से अवगत करवाने की कोशिश की थी। हम भारतीय वंदे मातरम गा रहे थे तो अंग्रेज हमारे कलाकारों से ही अंग्रेजी हुकूमत की जय भी गवा रहे थे। ग्रामोफोन रिकॉर्ड में दोनों पक्षों के सबूत मिलते हैं। दोस्तों, आज़ादी नामा की 45वीं कड़ी में आज हम लेकर आए हैं ऐसा ही एक सत्ता पक्ष का रिकॉर्ड, सत्ता पक्ष का 100% विशुद्ध रिकॉर्ड। और यह रिकॉर्ड हम लेकर आए हैं मद्रास से। इस रिकॉर्ड में आवाज़ है मद्रास के गवर्नर की और गवर्नर की बेगम साहिबा की। यह सब जाहिर है अंग्रेजी में ही होगा, पर इस रिकॉर्ड की दूसरी तरफ एक तमिल गीत भी है। सुनेंगे इस रिकॉर्ड के कंटेंट को, पर उससे पहले थोड़ी जानकारी इस रिकॉर्ड के बारे में और उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में। दोस्तों, आप इस रिकॉर्ड के लेवल का रंग देखिए, यह चांदी के रंग का है और इस रिकॉर्ड पर आप सिल्वर जुबली लिखा हुआ भी देख सकते हैं। इस तरफ दाहिनी तरफ सिल्वर जुबली के बाद आपको एक तारीख भी लिखी हुई दिखती है, 6 मई 1935। रिकॉर्ड के लेबल पर बीच में नीचे की तरफ यहां क्राउन पहने एक राजा और रानी का चित्र भी आप देख सकते हैं। यह चित्र जिस सर्कल में है उसकी गोलाई में आप कुछ रोमन न्यूमेरिक देखते हैं। आपको स्क्रीन पर जूम करके मैं दिखाता हूं इसको। उसमें सामने की तरफ 6 मई 1910 लिखा है और पीठ की तरफ, राजा और रानी की पीठ की तरफ 1935 लिखा है रोमन न्यूमेरिक में ही। यह तारीख कुछ खास थी। 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम, जॉर्ज द फिफ्थ, इंग्लैंड के बादशाह बने थे। उनकी कई पदवियां थीं जिनमें से एक पदवी थी एम्परर ऑफ इंडिया की। जी, जॉर्ज पंचम भारत का भी बादशाह था जो इंग्लैंड में रहता था। वैसे वे इंग्लैंड के एकमात्र ऐसे राजा थे जो अपने राज्यारोहण के लिए, अपने कोरोनेशन के लिए हिंदुस्तान भी आए थे दिसंबर 1911 में। उस राज्यारोहण में पूरे हिंदुस्तान के राजा रानी, कांग्रेस के नेता और तमाम गणमान्य लोग शामिल हुए
और बादशाह सलामत की तारीफ में कसीदे भी पढ़े गए। ग्रामोफोन की दुनिया के स्टार्स ने भी बादशाह के प्रशंसा गीत गाए जो ग्रामोफोन पर रिलीज हुए। जॉर्ज पंचम ने अपनी इस यात्रा में ही हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ते से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की और नई राजधानी की आधारशिला भी रखी। बादशाह की इस यात्रा का एक और खास पहलू था उनके शिकार। जी, बादशाह सलामत ने अपने सैकड़ों सहायकों की मदद से दर्जनों शेरों का शिकार किया भारत में और नेपाल में, और अपने शिकारों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। इंग्लैंड में रहने वाला हिंदुस्तान का बादशाह यहाँ और कर भी क्या सकता था दोस्तों। खैर, उसी बादशाह जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 6 मई 1935 को पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में सिल्वर जुबली मनाई गई और साल भर के कार्यक्रम बनाए गए। हिंदुस्तान के कोने कोने में भी आतिशबाजी और रोशनी से लेकर संगीत सभाओं, खेल के कार्यक्रमों, दुआओं, यज्ञ हवन आदि सब का आयोजन किया गया हिंदुस्तान के बादशाह सलामत के लिए। इंग्लैंड के बादशाह और उनकी हुकूमत अपने अधीन राजा रानी और अधिकारियों को किसी खास मौके पर मेडल बांटते थे। 1911 में जब जॉर्ज पंचम का हिंदुस्तान आना हुआ था दिल्ली दरबार के लिए, तब भी मेडल बांटे गए थे हजारों में। कुल संख्या थी 26,635। इस बार भी सिल्वर जुबली के अवसर पर मेडल बांटे जाने थे पूरे 30,000। इसकी तैयारियां एक साल पहले से शुरू हो चुकी थीं और इसके लिए कौन पात्र है और कौन नहीं उसके नियम और कायदे भी बनाए जा रहे थे। दोस्तों, उन कुछ राजाओं को 1935 में निगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया था जिन्होंने 1911 के दिल्ली दरबार में अनुशासन का अच्छा परिचय नहीं दिया था। मेडल चाहिए तो अनुशासन तो दिखाना पड़ेगा। बड़े अंग्रेज अधिकारी सुपात्र तो ढूंढते ही थे, पर सबसे पहले अपना नाम उस लिस्ट में डालना वे नहीं भूलते थे। और उनकी यदि किसी पर दया हो गई तो फिर चाहे वह जमादार हो या हवलदार, सबको मिल जाता था राजा रानी के चित्र से सजा मेडल, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होती थी। खैर, मद्रास तब जो सूबा या प्रोविंस था उसमें आज का तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और लक्षद्वीप सब आता था। हाँ, उड़ीसा का अधिकांश हिस्सा 1912 में मद्रास प्रोविंस से बाहर आ गया था। तब भी मद्रास बहुत बड़ा सूबा था ब्रिटिश भारत का। 1935 में जब सिल्वर जुबली मनाई जा रही थी तब मद्रास के गवर्नर थे लॉर्ड अर्सकिन। वे 1934 से 1940 तक मद्रास के गवर्नर रहे थे। वे गवर्नर बनने से पहले ब्रिटिश फौज में काम कर चुके थे और इंग्लैंड में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। उनकी अध्यक्षता में ही मद्रास में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन की योजना बनाई गई। इस योजना के तहत बाकी अन्य चीज़ें तो थी ही, एक सिल्वर जुबली फंड की भी योजना बनी थी। इस फंड में योगदान करने के लिए गवर्नर ने सबसे अपील की थी। उस फंड का उपयोग गरीबों, महिलाओं, बच्चों और बीमार लोगों के कल्याण के लिए होना था, और यही डिजाइन सारी दुनिया में इंग्लैंड की सरकार ने बनाया था जहाँ जहाँ उनके उपनिवेश थे। यह अपील जाहिर है जमींदारों, नवाबों और राजाओं से अधिक की गई थी जो अपनी प्रजा का और भी शोषण कर लोक कल्याण के इस सिल्वर जुबली फंड में पैसा डालते और अपने लिए मेडल और पदवियों का इंतजाम करते। इस पर और बात करेंगे, पर उससे पहले लॉर्ड अर्सकिन की आवाज में ही उनकी अपील सुनते हैं जो इस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया था। यह रिकॉर्ड बहुत ही रेयर है दोस्तों, और इसका शुरुआती हिस्सा थोड़ा सा टूटा हुआ है, इसलिए गवर्नर के संबोधन का पहला वाक्य शायद आपको साफ सुनाई न दे, लेकिन इसमें बहुत ही ऐतिहासिक संदेश है। आइए सुनते हैं। will subscribe largely to His Majesty's Silver Jubilee Fund.
its objects are already well known. And the larger the sum obtained, the greater will be the help that can be given to the selected charities. It is typical of the King Emperor that he should wish to commemorate his jubilee by the raising of a fund for the assistance of the poor, the sick, and the needy. During the 25 years that he has occupied the throne, His Majesty has always shown a wonderful solicitude for the less fortunate amongst his subjects. And there can be no better way of showing our loyalty and affection for him than by making his jubilee the means of alleviating their suffering. A large subscription will be the best method of showing our heartfelt gratitude to a monarch who, during times of stress and trouble, has always deserved and received the respect and admiration of all his people. दोस्तों, अभी जो आपने रिकॉर्ड सुना वह ओडियन लेबल पर रिलीज हुआ था साल 1935 में। ओडियन कंपनी मूलतः जर्मनी की थी और भारत में 20वीं सदी की शुरुआत से ही बिजनेस में आ गई थी और वह अपने स्थानीय पार्टनर्स के साथ यहाँ पर अपने रिकॉर्ड बेचती थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के अन्य उत्पादों की तरह ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया इंग्लैंड की हुकूमत द्वारा। वैसे कुछ अरसे बाद फिर से ओडियन कंपनी बाजार में आ गई थी। दक्षिण भारत में इसका मुख्य कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1932 में एक नई कंपनी के साथ जिसका नाम था सरस्वती स्टोर्स। इसकी स्थापना एवी मैयप्पन चेट्टियार, एम शिवसुब्रमण्यम और के एस नारायणन ने मिलकर की थी। इस कंपनी ने ओडियन रिकॉर्ड के लेबल को एक नई पहचान दी दो हाथियों से, जो आप इस बिल्डिंग के दोनों तरफ देख सकते हैं। यह ओडियन के मूल लेबल के दोनों तरफ लगा दिए गए थे। आपको जब भी हाथियों वाला ओडियन का यह लेबल दिखे तब आप समझ लीजिएगा कि यह रिकॉर्ड सरस्वती स्टोर्स ने निकाला था मद्रास से। उसकी एक पहचान और है कि सरस्वती स्टोर्स द्वारा निकाले गए ओडियन रिकॉर्ड का मैट्रिक्स नंबर MD से शुरू होता था, जो आपको यहाँ नीचे की तरफ दिखाई देगा। जैसे सिल्वर जुबली का मैट्रिक्स नंबर है MD2619। इस रिकॉर्ड का नंबर भी स्पेशल था दोस्तों, MSJ1, यानी मद्रास सिल्वर जुबली के लिए यह खास सीरीज थी MSJ। इस सीरीज में बस यही एक रिकॉर्ड निकला था। सरस्वती स्टोर्स अपने रिकॉर्ड का उत्पादन कलकत्ता स्थित ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड की फैक्ट्री में ही करवाता था। आपको यहाँ यह भी बताता चलूँ कि जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मेरी की आवाज़ में ग्रामोफोन पर बहुत सारे रिकॉर्ड किए गए थे और उसे पूरे साम्राज्य में लोगों को, प्रजा को सुनाया जाता था। उन दोनों की आवाज़ में बहुत से रिकॉर्ड मिलते हैं जो इतिहास के अच्छे स्रोत बनते हैं। उनमें से कई रिकॉर्ड्स हमारे आर्काइव में हैं, आने वाली कड़ियों में हम उनको सुनेंगे। उसी परंपरा का पालन करते हुए गवर्नर अर्सकिन की अपील के बाद इस रिकॉर्ड में गवर्नर की पत्नी लेडी मर्जोरी अर्सकिन की अपील भी रिकॉर्डेड है, जिसमें वे जॉर्ज पंचम के 25 साल के शासन में कितनी तरक्की हुई, कितनी खुशहाली आई, उसका बयान करती हैं और फिर उसके बदले में सिल्वर जुबली फंड में पैसा डालने को कहती हैं। सरकारी अपीलें प्रायः इसी तरह की होती हैं। आइए लेडी मर्जोरी अर्सकिन की अपील भी सुनते हैं, फिर आगे बात करेंगे। Remind us all that we have been privileged to live in their reign for 25 years, during which time there have been dark days when war caused misery and despair in many parts of the King Emperor's domain. But let us now remember how all were heartened by their Majesty's example and comforted by their many acts of sympathy in those anxious days. And it has been their steadfastness of purpose and their kindly concern for the welfare of all their subjects, no matter of what creed or race, that has held the empire together and increased its strength and greatness.
when elsewhere all was chaos in the difficult days that followed the war. Let us now remember on May the 6th what love and loyal duty we owe them, and be it a lack of rupees or single error, according to our means, give it as a token of our love to the sun being raised, as a right royal gift in this great, on this great occasion to our beloved King Emperor and Queen Emperor. दोस्तों, मद्रास प्रोविंस की दो राजधानियां थीं, गर्मी में मद्रास जिसे अब चेन्नई कहते हैं और जाड़े में ऊटी या उडक मंडलम। मई का महीना गर्मी का था, इसलिए मद्रास के गवर्नर ऊटी में थे। जाहिर है 6 मई 1935 का सिल्वर जुबली का मुख्य कार्यक्रम वहीं हुआ। नीलगिरी की पहाड़ियों पर खूब रोशनी की गई और पूरे शहर को खूब सजाया गया। गवर्नर के कार्यक्रम के बाद नेशनल एंथम भी गाया या बजाया जाता था। इस रिकॉर्ड के माध्यम से गवर्नर और उनकी पत्नी की अपील पूरे सूबे में जारी की गई थी। गवर्नर की आवाज़ और सरकार की आवाज़ को लोग अदब से सुने, इसके लिए अपीलों के बाद इंग्लैंड का नेशनल एंथम भी बजता था। इस रिकॉर्ड में भी उसी वजह से इंग्लैंड का नेशनल एंथम भी डाला गया था, मिलिट्री बैंड द्वारा बजाया गया, गॉड सेव द किंग। आइए उसे भी सुन लेते हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि गुलाम देश आज़ाद हो जाते हैं, परंतु गुलामी के दौर की बहुत सी रस्मों से हम आज़ाद नहीं हो पाते। खैर, आज जो हम रिकॉर्ड सुन रहे हैं वह न सिर्फ मद्रास के अलग अलग शहरों में सरकारी कार्यक्रमों में या बाज़ारों में चौराहों पर ग्रामोफोन पर बजाया गया और लोगों को सिल्वर जुबली से अवगत कराया गया, बल्कि अभी अभी शुरू हुए रेडियो स्टेशन से भी उसे बजाकर ब्रॉडकास्ट किया गया। कहते हैं साल 1935-36 में मद्रास में कुल 840 घंटे और 54 मिनट का रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ, जिसमें अधिकांश समय सिल्वर जुबली से जुड़े कार्यक्रम को ही दिया गया। शुरुआती दिनों में रेडियो का प्रसारण बहुत थोड़े समय के लिए ही होता था। सिल्वर जुबली कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए तमिल गीत भी बजाए जाते थे रेडियो से। उस कार्यक्रम के लिए नगर निगम के 83 स्कूल खास तौर पर चुने गए थे और उनमें से कई स्कूलों में रेडियो सेट के द्वारा ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर गवर्नर के संदेश और तमिल गीत पहुंचाए गए। इस खास सिल्वर जुबली रिकॉर्ड में भी उसी दौर के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक एसवी अरियाकुडीटी रामानुज अयंगार की आवाज़ में एक तमिल गीत शामिल किया गया था जो रिकॉर्ड के दूसरी तरफ था। उस गीत में अरियाकुडी के साथ वायलिन पर संगत की थी राजमणिकम पिल्लई ने और मृदंगम पर कोटदरामा अय्यर ने। आइए सुनते हैं जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण के सिल्वर जुबली समारोह के उपलक्ष्य में गाया गया वह तमिल गीत। Thank you.
दोस्तों, इस रिकॉर्ड के द्वारा और इसी तरह के अन्य प्रयासों से सिल्वर जुबली फंड में अच्छा धन संग्रह हुआ और बहुत से लोक कल्याण के काम हुए। कुछ और काम होते पर सिल्वर जुबली साल के दौरान ही 20 जनवरी 1936 को जॉर्ज पंचम का देहांत हो गया और सारे कार्यक्रम रोक दिए गए। परंतु इस रिकॉर्ड के माध्यम से हमें अंग्रेजों के शासन के तौर तरीकों और उनमें हिंदुस्तानियों की भागीदारी के बारे में तो बहुत कुछ पता चलता ही है। तो अब आज़ादी नामक इस अंक को इसी मोड़ पर विराम देते हैं। इसके अगले अंक में भी आज़ादी नामक की ग्रामोफोन गाथा मद्रास से ही जुड़ी होगी। एक और ऐतिहासिक ग्रामोफोन रिकॉर्ड के माध्यम से हम जानेंगे आज़ादी से पहले कांग्रेस के चुनावी राजनीति में प्रवेश की दास्तान। उस अगली मुलाकात तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।